हाय फ्रेंड्स, होप से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में और फिर से आप सबके लिए मैं एक सीएमए सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। और आज मेरे साथ एक स्टूडेंट है जो अभी सीएमए परसुइंग है, बट इंटरमीडिएट इन्होंने क्वालिफाई किया है और रिसेंटली अभी इनका सिलेक्शन एक पीएससी एचएससीएल है जिसमें एज ए सीएमए ट्रेनी सिलेक्शन हुआ है। एंड ही इज वेरी एक्साइटेड टू शेयर हिज जर्नी एंड कैसे इनका सिलेक्शन एचएससीएल में हुआ, वो सारी चीजें आप जान सकते हो। इस वीडियो को आपको कंप्लीट जरूर देखना है एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हाय मोनिश, हाउ आर यू? हाय सर, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ मोनिश, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर जर्नी। सो मोनिश, एक क्वेश्चन है मेरा, लाइक हाउ इज योर फीलिंग राइट नाउ बिकॉज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू ज्वाइन HSCL एज ए CMA trainee where you will learn various new things. So how is your feeling? Are you excited? Yes sir, too much. I'm very happy and excited. ओके सो मोनिश, जब आपको ये ऑफर लेटर आई थिंक 2 days बैक आपको रिसीव हुआ है फ्राइडे को, सो देन हाउ इज योर फीलिंग एट दैट टाइम जब आपको ऑफर लेटर मिला? आई वाज वेरी हैप्पी सर, मेरी फैमिली भी पूरी हैप्पी थे। वो लोग बोले कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड दैट्स इट सर। फिर आपको सबसे पहले आपको फोन किया सर, आप भी रिसीव किया, आप बोले ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। फिर सर सबको, फैमिली को बताया, फ्रेंड्स लोगों को बताया, पार्टी किए। अच्छा है, पार्टी करो, यही टाइम है, पार्टी करना चाहिए। ओके सो अच्छा, ये आपके घर से आपको कितना डिस्टेंस पे आपकी इंटर्नशिप है? आपको घर से जाना पड़ेगा या फिर बाय होम आप कर सकते हो? सर इट इज अराउंड 5 to 6 किलोमीटर। यस सर, so you can do from your home also. Okay great. So like first of all मोनिश, मेरा क्वेश्चन है कि ये आपने मेरे कोर्स रॉकर इंटरव्यू को ज्वाइन किया था, सो मेरे कोर्स से आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिला था इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए? सर आपके जो नोट्स है बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए, जैसे कि कॉस्टिंग का पूरा पीडीएफ था, या बुक भी लॉन्च किए थे, पूरा ए टू जेड है, तो और कहीं से रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। जीएसटी के भी थे, इनकम टैक्स, एफएम, पूरे सब्जेक्ट मिल गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे मिल गए मुझे और कहीं से रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ा मुझे। और आप भी मुझे हमेशा सपोर्ट किए, कुछ डाउट रहा, कोई भी मतलब पर्सनल इश्यूज कुछ भी, तो आप मुझे सपोर्ट किए, इट विल आल्सो हेल्प। ग्रेट। सो मोनिश, स्टार्ट करते हैं आपकी सीएमए जर्नी के बारे में, लाइक आपने आफ्टर 12th किस तरीके से आपने सीएमए कोर्स को ज्वाइन किया, हु मोटिवेट्स यू और गाइडेड यू टू परस्यू सीएमए कोर्स? Sir, when I was in confusing whether to do CA, CMA, CS, my friend, one friend, his name is Faizan, suggested me to do CMA. It is also a good course. Okay. So I research and explore. Then I think that it is a good opportunity for me. So I joined CMA. Okay. And I enrolled for foundation for December attempt, 2021. Okay. So आपने oral admission लिया था या postal? Postal sir. Okay. 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 पोस्टल लिया था। सो देन यू हैव डन योर फाउंडेशन बाय सेल्फ या फिर आपने क्लासेस ली थी फाउंडेशन की? सो आई डन सेल्फ। ग्रेट। एंड हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट? आई गॉट 352 मार्क्स। 352 मार्क्स, इट्स आल्सो ए गुड मार्क्स। सो लाइक बाय सेल्फ अगर करना हो तो क्या क्या चीजें हैं जिसको स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए अगर वो फाउंडेशन बाय सेल्फ करना चाहते हैं? सर फाउंडेशन सेल्फ हो सकता है, अगर पूरे नोट्स हैं, वीडियोस हैं, जैसे आपको समझ में आना चाहिए, जैसे कि मैं सीए भक्त से या दीपक क्लासे से पढ़ सकते हो आप, पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, पढ़ सकते हो उससे, और इट इज इजी टू क्रैक सर, इट इज नॉट टू मच डिफिकल्ट। ओके ओके, सो मतलब दीज आर द सम प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर यू कैन लाइक वॉच द वीडियो एंड कंप्लीट योर नोट्स। ओके हाँ सर, मैक्सिमम बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम आता है, बट आई वाज फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड तो मुझे वो भी प्रॉब्लम नहीं आया। इट्स गुड साइन। ओके सो देन जब आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ, देन नेक्स्ट टाइम टू गो फॉर इंटरमीडिएट, सो इंटरमीडिएट में भी चैलेंजेस आए थे? यस लॉट ऑफ चैलेंजेस, जैसे कि आई परचेज ऑफ क्लासेस फ्रॉम रॉन्ग फैकल्टी, उसके बाद मेरे पास टाइम कम थे, 4 months थे, रिविजन भी करना है, सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट करना है। मैं तो सोच रहा था नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूं सर, बट सर लेट्स सी व्हाट हैपेंड, आई डिसाइडेड टू गिव जून अटेम्प्ट। ओके सो फिर जब आपने प्रिपरेशन किया एंड पेपर देने गए तो पेपर में क्या कुछ नर्वसनेस था कि कैसे होगा क्या होगा? या ऑफ कोर्स सर, ये फर्स्ट टाइम था मेरा, ऑफ कोर्स सर। ओके वहां पर सर मेरे कंप्यूटर काम नहीं किया सर, इट्स ऑनलाइन मोड, या कि मुझे शिफ्ट किया, तो आई थिंक आई कैन नॉट गिव ऑनलाइन एग्जाम। ओके सो लाइक जब आपने इंटरमीडिएट ग्रुप वन दिया था कितने मार्क्स आपके आए थे इंटरमीडिएट ग्रुप वन? आई गॉट 216 मार्क्स इन ग्रुप वन एंड 258 मार्क्स इन ग्रुप टू. 250. तो ग्रुप टू तो आपने ऑफलाइन मोड में दिया है राइट? राइट सर. राइट. सो लाइक ग्रुप टू भी बाय सेल्फ किया? नो सर, आई परचेज क्लासेस बट I refer some YouTubers. Okay, okay. So you have also referred YouTube's channels, and apart from this, you have also take some classes. So किस subject की आपने classes purchase की थी? Sir, मतलब purchase सबकी की थी, but मुझे समझ नहीं आया, तो okay. मैं YouTube से पढ़ा. Okay, okay. So it means like before buying the any classes, the lesson of the story before buying to any classes, first of all do the proper research. Like शायद मोनिश ने उतना research नहीं कर पाए या डेमो वीडियोज के बेसिस पे आपने जब कोर्स परचेज किया तो शायद जब आप कंप्लीट कोर्स में गए तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई. सो बिफोर बाइंग एनी फैकल्टी क्लासेज फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च कंप्लीट कि ये फैकल्टी जिसकी आप क्लास परचेज कर रहे हो क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah. Okay. So Monish, like how many times you have done your revision? Because you have cleared your intermediate group one also in first attempt and group two in first attempt. So how many times you have done your revision? At least 4 times, sir, per subject. Okay. And how many hours you are giving on per day for a single group? Sir, 8 hours in a day, 2 hours for each subject. Okay, 2 hours each subject and 8 hours in a day you are giving. That's fine. So okay, and apart from this, like if I talk about theoretical topics, okay, you told I think you got some exemption in any subject. Company accounts and audit, okay. OMSM, okay, or IDT. IDT. So like if I talk about theoretical topics, so like कैसे बच्चे उसको revise करें कि उन्हें याद रहे exam के time में. तुम्हारा experience क्या रहा इसमें? हाँ. Sir, from starting I was good in theory topics. Okay. मैं प्रैक्टिकल में एवरेज था इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाता था क्योंकि मुझे पता था प्रैक्टिकल एक 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आपसे कितना भी ट्राई कर लो आप. कुछ बनते ही नहीं, आप भी जानते हो सर, आपसे भी नहीं बना होगा राइट. क्योंकि थियोरी टॉपिक वहां पर आप पढ़ के गए होगे तो 12 मार्क्स में आपको 5-6 मार्क्स मिल जाएगा, उससे आप पास हो जाओगे एटलीस्ट. ये तो है. So, आपने theoretical आपके ऑलरेडी स्ट्रांग थी तो आपको theoretical पे इतना एफर्ट नहीं करना पड़ा राइट. आपने प्रैक्टिकल पे ज्यादा एफर्ट किया. ओके सो लाइक जब आपने अपना ग्रुप टू का पेपर दिया उसके बाद मुझे लगता है कुछ ही टाइम बाद आपने मेरे कोर्स को आपने ज्वाइन कर लिया था रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर योर इंटरव्यूज. ओके तो लाइक because I want to join PSU sir from starting, so I joined your course sir. बेसिकली मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था कि लाइक बहुत सारे बच्चे रिजल्ट्स का वेट करते हैं किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले, तो क्या वेट करना सही रहता है या फिर आप स्टार्ट कर लेते हो वो ज्यादा बेटर रहता है? आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर अगर आप 50% श्योर हो कि आप मतलब क्रैक कर लोगे एग्जाम देन आई शुड सजेस्ट एवरी स्टूडेंट टू गो फॉर स्टार्ट स्टडीइंग. या you should start anything, studying or interview preparation if for an intermediate, then you can go for interview preparation if for an final, then again for your internship. So this is the good thing. अच्छा एक चीज और like कि जब आपने ऑनलाइन दिया ऑफलाइन दिया मतलब बेटर क्या लगा आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में? ऑनलाइन सर. ऑनलाइन पेपर ज्यादा अच्छा था. तो सर कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है उसमें और बहुत सारी चीजें हैं बट हाँ सर कभी भी ग्लिच होता है तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको. ओके सो बिकॉज लाइक यू हैव अपीयर्ड फॉर सेंटर बेस्ड एग्जाम राइट. सो कुछ ग्लिच आए थे वहाँ पे सेंटर बेस्ड में? यस सर, मेरे लैब में कीबोर्ड काम नहीं किया फिर मैं दूसरे जगह बैठा है तो वहाँ भी काम नहीं किया. मैं सोचा सर मेरा एग्जाम होगा कि नहीं, एकदम टेंस में था उस समय. अच्छा ओके अच्छा एनी सजेशन फॉर द स्टूडेंट्स जो लोग सीएमए इंटरमीडिएट में हैं उनके लिए कि उन्हें किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस क्योंकि नेक्स्ट 5 डेज बाद एग्जाम है? सर जैसे कि मैं उनको दूंगा जो फाउंडेशन क्रैक हुआ है आई थिंक सर उनको कनेक्ट करना चाहिए जो सीएमए फाइनलिस्ट या जो सीएमए बन चुके हैं क्योंकि वो बेटर गाइड कर सकते हैं उन लोगों को कौन से फैकल्टी अच्छे हैं और क्या स्ट्रेटेजी करना है वेदर टू गो फॉर सिंगल और बोथ ग्रुप. और जो अभी देने वाले हैं तो मैं उनको यही बोलूंगा टाइम तो नहीं है, रिवीजन ही करो अभी बैठ के. जो सिलेबस नहीं हो तब भी छोड़ो, रिवीजन करो बैठ के. Right. Okay, great. Thanks Monish for sharing your journey. And आप मुझे क्या रेटिंग दोगे like मेरे साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा उसके लिए? Sir, 10 out of 10. 10 out of 10. Oh my God. Thank you. So hopes for the best Monish. तुम अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग करो HSCL में एंड होप्स हो कि आप बहुत अच्छा लर्निंग लो एंड फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो. देन वी विल प्रिपेयर फॉर कैंपस प्लेसमेंट. और 22 लाख के पैकेज वाला नेक्स्ट स्टूडेंट तुम बनो. ओके. नहीं, इट कैन बी पॉसिबल, जस्ट यू नीड टू ड्रीम. ओके, अगर आप कुछ भी ड्रीम करते हो तो पॉसिबल हो सकता है. अगर आप सोचोगे ही नहीं, कुछ एम्बिशन नहीं रखोगे तो नहीं पॉसिबल है. जिसने जिसको मिला है उसने भी सोचा होगा तभी उसको मिला है, उसने उस हिसाब से एफर्ट किया था. तो अगर आप भी करोगे आपका भी होगा. हाँ, बट फर्स्ट टारगेट इज ऑलवेज क्रैक योर नेक्स्ट 2 एग्जाम्स, योर ग्रुप 3rd एंड ग्रुप 4 इन फर्स्ट अटेम्प्ट. Okay. Yes, sir. Then I am 100% sure you will get your campus also. Hope okay. So, sir. Yeah, yeah. Bye bye. Take care and best of luck. Okay, sir.